वेलकम दोस्तों, हमारा चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम आज दो ट्यूटोरियल दे रहा है। बेसिकली क्या है, मीडी के ऊपर दे रहा है। एक्चुअली ऑडियो के ऊपर चल रहा है बहुत सारा मीडी के ऊपर, और एक रिक्वेस्ट भी था तो कैसे हम लोग क्वांटाइज को चेंज कर सकते हैं। मतलब क्वांटाइज, ऑटो क्वांटाइज जो होता है ना, ऑटो क्वांटाइज मतलब आप लोग जब बजाएगा, मान लीजिए ये हम एक VST ले रहा है, VST लेके एक ग्लोबल से एक ड्राम ले रहा है, ठीक है, ड्राम बोलिए, दूसरा कुछ बोलिए, और ऑटो क्वांटाइज में कौन सा बजाना चाहिए वो भी हम बोल दे रहा है। तो मान लीजिए ड्राम लिया, ठीक है, तो आप लोग क्वांटाइज का मतलब क्या है। बेसिकली क्वांटाइज होता है क्या, जो देखिए इधर क्वांटाइजेशन क्या है, 1/32 है, मतलब एक से दो बार तक 1/32, मतलब 1/32 बिट, 32 टाइम्स आप लोग यूज कर सकते हैं, मतलब 32 जो मीडी नोट आप लोग दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, मतलब मैक्सिमम 32 दे सकते हैं। तो देखिए ये करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये 32 जो है क्वांटाइजेशन, तो ये यूज क्वांटाइज करना पड़ेगा और 32 करना पड़ेगा। हम लोग अगर एक देगा तो हम लोग अगर इसमें पेंसिल लेके क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक अगर करेंगे, ये हम लोगों का पियानो रोल खुल जाएगा। अगर 1/1 रहेगा तो एक ही हम लोग नोट दे सकते हैं, तो ये पहले भी हम बोला है। तो इसको हम लोग क्वांटाइज जितना बढ़ाएंगे, मतलब अगर 32 करेंगे तो 32 टाइम्स हम लोग नोट दे सकते हैं पूरा। हम एक काम करते हैं, लाइन इधर पूरा टान दे रहा है, तो इसमें 32 आएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो एक गाना में हम लोगों को इतना लगता नहीं है, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं है, मतलब जो टाइमिंग हम लोग देना चाहते हैं, मान लीजिए एक रिदिम पैटर्न बना रहे हैं हम लोग, उसमें बहुत सारा पिकअप है, मतलब टक्र डिक 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 इस टाइप का कुछ है, और 4/4 में चल रहा है, तो उस टाइम में हम लोग हाथ में बजा रहा है, और हम तो बोल दिया है ये ऑटो क्वांटाइज में आप लोगों को अगर करना पड़ेगा एक बार का रिदिम और दो बार का रिदिम, तो ये जो ऑटो क्वांटाइज जो बटन है, ये जो इसको ट्रांसपोर्ट पैनल बोलते हैं, इसमें जो ऑटो क्वांटाइज का बटन है इसको ऑन रखना पड़ेगा, ऑटो क्वांटाइज को ऑन कर देना पड़ेगा, और उसमें आप लोग बजाइएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, जब हम लोग बजा रहा है, मान लीजिए हम लोग ऐसा टाइप का कुछ बजाया है, इसमें इस टाइप का कुछ बजाया है, तो कुछ जगह पर स्नैप छोड़ के बजा रहा है, मतलब मान लीजिए जो इस जगह में होना चाहिए था थोड़ा पहले हो गया, और इस जगह में जो होना था तो वो बाद में हो गया। तो इसको हम लोग क्या करें, मतलब देखिए इसको थोड़ा सा जूम करके देखिए क्या है, ये जो लाइन है, ये लाइन में ये इधर होना चाहिए था मगर थोड़ा आगे हो गया हमारा। हम लोग जब लाइव बजाते हैं तो उस टाइम में होता है ऐसा टाइप का कुछ, तो पूरा गाना में ये मतलब हम लोग क्वांटाइजेशन कितना करें और इसका बारे में मतलब मान लीजिए हम लोग अगर डबल क्लिक कंट्रोल ए करके क्वांटाइज हम लोग कितना रखें जिसमें क्या ये पूरा लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे ही यही हम लोगों का चैप्टर है आज। तो देखिए अगर 4/4 टाइम सिग्नेचर होगा, 4/4 अगर टाइम सिग्नेचर होगा, हम नोट पैड एक खोल देता है, टाइम सिग्नेचर 4/4, ठीक है, इसमें अगर 1/16 क्वांटाइज रहेगा तो क्या होता है, कितना नोट आएगा। तो मैथमेटिक्स जो है मतलब कितना नोट का अगर हम लोग बोले 4/4 टाइम सिग्नेचर, उसके बाद 1/16 क्वांटाइजेशन, तो मैक्सिमम कितना नोट आना चाहिए, तो है 4/4 डिवाइडेड बाय, एक मिनट, 4/4 डिवाइडेड बाय 1/16, तो इसमें क्या होगा, इसमें 16 नोट ही आएगा, मतलब 4/4 इंटू 16/1,
मतलब अब लोग अगर इसको मैथमेटिक्स में इसको भांगेगा तो देखिए वो 16 बिट ही आएगा, 16 नोट आएगा। तो इसमें क्या होता है, मतलब मैक्सिमम हम लोग 16 यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को ये जो है, ये जो ऑप्शन में किया है, हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके भी हम लोग क्वांटाइज कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, बाकी जितना सारा नोट है ये क्वांटाइज में ही है, मगर ये दो नोट जो है, ये दो नोट क्वांटाइज में नहीं है। तो इसको, क्योंकि हम ये पेंसिल लगा के किया है, तो इसको सिलेक्ट करके हम लोग क्यू अगर प्रेस करेंगे तो वो जगह पर बैठ जाएगा, 1/32 में बैठ जाएगा। तो हम लोग इसको 1/16 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हिसाब से होगा, क्योंकि देखिए हम लोग 1/16 अगर किए तो क्या हुआ, थोड़ा स्पेस कम मिला उसको, तो इसीलिए वो क्या किया है, इसका जो पैटर्न है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब हम लोग जितना फास्ट बजाएंगे उसका हिसाब से हम लोगों को क्वांटाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा। ये है तरीका। हम लोग अगर मान लीजिए एक पिकअप बजा रहा है और एक बोंगो बजा रहा है, ट्रक टटक टटक ट्रक टटक इस टाइप का कुछ बजा रहा है, तो उसमें क्या है, क्वांटाइजेशन ज़्यादा रखना चाहिए, नहीं तो कम अगर रखिएगा तो उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये बात यही है। तो ये तो एक बात हो गया, इसको 1/16 में हम लोग जो चाह रहा है नहीं हो रहा है, तो इसको 1/32 में करना चाहिए। 1/32 में अगर क्यू करेंगे तो जो नियरेस्ट जो बार है, तो नियरेस्ट बार का अंदर वो आ जाएगा। तो हम लोग जो बजाया है 1/32 में बजाया है, और इसको 1/64 भी हम लोग करेंगे तो अगर क्यू करेंगे तो इसका चेंज कुछ नहीं होगा, मतलब वो जगह ले लिया है। मतलब जितना फास्ट होगा उतना हम लोगों को ज़्यादा क्वांटाइजेशन रखना पड़ेगा, और बाकी जितना है, मतलब ट्रिपलेट और डॉटेड, इतना बाकी जितना सारा क्वांटाइजेशन है, और भी ज़्यादा हो सकता है क्वांटाइजेशन, हम लोग 10 से 1/128 तक कर सकते हैं। मतलब ये थोड़ा एडवांस चैप्टर का है। तो अभी देखिए, अभी क्या है, 4/4 टाइम सिग्नेचर अगर चेंज हो के 3/4 हो जाएगा, तब क्या करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो हो गया, ये 4/4 में आ गया, हम लोग इसको बजा सकते हैं, इसको पूरा बीट में बजेगा, पूरा बीट में बजेगा। हम लोग जो इसको रखेंगे, मतलब क्लिक का साथ बजा दीजिए, पूरा टेम्पो में बज रहा है, मतलब फ्रैक्शन थोड़ा कुछ अलग हुआ है, मगर ये सही बज रहा है। तो अभी देखिए 3/4 में क्या होता है। तो 3/4 में हम लोग इसको इधर से इसको चेंज करते रहे, 3/4 करते रहे, 3/4 में चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, मतलब एक बार में तीन तीन करके आएगा। तो ये इसको 2 बार तक रखना चाहिए, इसको भी 2 बार तक रखना चाहिए। तो ये हम लोग मान लीजिए यूज क्वांटाइज नहीं करके हम लोग बीट कर दिया, बीट मतलब तीन बीट आएगा। अगर हम लोग इसको 1/2 करेंगे तो देखिए इसको छोटा जूम आउट कर देता है, हाँ 2 अगर करेंगे तो क्या होता है, एक आएगा देखिए, और एक का जगह नहीं है, मतलब एक ही आएगा, उसका बाद हम लोग 2 नहीं डाल सकते क्योंकि ये ऑड हो गया है, और ऑड काउंटिंग हो गया है, मतलब 3 बिट का अंदर 2 मैक्सिमम ऐसे ही आएगा, और एक लगाएंगे तो हम लोग ये ज़्यादा ये बाहर चला जाएगा, मतलब इसमें बाहर हो गया, और इसको थोड़ा हम जोड़ दी इसको, हाँ इसको लगा देंगे तो क्या हुआ, दूसरा टाइप का फीलिंग्स आ रहा है। तो मान लीजिए हम लोग बहुत सारा बजाया है, इसको स्नैप को ऑफ करके हम लोग बजा रहा है, ठीक है, इधर बजा रहा 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 है, तो ऐसे टाइप का बजाया है। तो 3/4 में अगर हम लोग क्या, इसमें मैथमेटिक्स में आ जा रहा है, बिट काउंटिंग है 3/4, तो इसमें हम लोग कितना देना चाहते हैं, मान लीजिए मैक्सिमम अगर 1/16 हम लोग करेंगे तो कितना बिट आएगा, 3/4 डिवाइडेड बाई 1/16, तो इसको क्या हो रहा है, 3/4 into 16/1, मतलब 12 बिट आएगा। अगर हम लोग
1 by 16 क्वांटाइजेशन में 3 by 4 टाइम सिग्नेचर में मैक्सिमम 12 बिट हम लोग इसको ले सकते हैं, मैक्सिमम 12 बिट। तो ठीक है, 12 बिट अगर होगा एक एक में चार चार करके आ जाएगा। तो आप लोग हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये 12 बिट ये अगर हम लोग इसको 1 बाई 16 करेंगे और इसको कंट्रोल ए करके क्यू कर देंगे तो वो जगह ले लेगा। हो गया, जगह ले लिए, फिर हम लोग को सुनना पड़ेगा। थोड़ा सा पैटर्न मतलब बीट में बज रहा है मगर पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर 1 बाई 8 करेंगे तो इसमें क्या होता है देखते हैं। तो देखिए 1 बाई 8 कर दिया है, इसको सुनकर देखिए थोड़ा सा वॉल्ट्ज पैटर्न का आ रहा है। तो यही बात है, जब हम लोग 3 बाई 4 टाइम सिग्नेचर में जाएंगे तो उसका अंदर 1 बाई 8 क्वांटाइजेशन 1 बाई 24 तो है नहीं, 1 बाई 8 और इधर ट्रिपलेट कुछ लगता है, डॉटेड कुछ लगता है, मतलब 1 बाई 8 में हम लोग कितना मिल रहा है बिट। 1 बाई 8 अगर हम लोग करेंगे, इसको 8 कर दीजिए, 8 हो गया, तो 3 बाई 4 इंटू 8 बाई 1 मतलब 6, 6 करके आएगा। तो 6 करके अगर आएगा तो इसमें बहुत अच्छा वॉल्ट्ज रिदम बनेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 बाई 4 अगर टाइम सिग्नेचर होगा तो हम लोग 1 बाई 8 कर सकते हैं क्वांटाइजेशन, 1 बाई 16 कर सकते हैं क्वांटाइजेशन, 1 बाई 32 कर सकता है क्वांटाइजेशन और 1 बाई 64 कर सकते हैं। ये जब हम लोग स्पीड में बजाएंगे, अगर 3 बाई 4 टाइम सिग्नेचर होगा तो हम लोग इसको 1 बाई सॉरी इसको हम लोग भूल करके इसको 1 बाई 4 करना पड़ेगा, इसमें 1 बाई 8 हम लोग करेंगे तो इसमें बहुत अच्छा वॉल्ट्ज रिदम बनेगा। तो इसीलिए हम लोग जब प्रोजेक्ट करेंगे तो कीबोर्ड लगा के, क्योंकि कीबोर्ड लगा के प्रोजेक्ट करने का टाइम एक्चुअली क्या है, क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आप लोगों का क्वेरी के ऊपर ही हमको काम करना पड़ रहा है। तो जब ये क्वेरी जब पूरा ज़ीरो हो जाएगा तब हमारा जो मतलब सॉफ्टवेयर का जो तरीका है, हम जो तरीके से करते हैं वो हम समझा देंगे। तो पहले आप लोगों को क्वेरी कंप्लीट करना है, तो क्वेरी हो जाएगा तो उसके बाद देखेंगे हम क्या क्या दे सकते हैं और प्रोजेक्ट भी हम लोग शुरू करेंगे, एक पूरा नया प्रोजेक्ट लेके बनाएंगे, पूरा तरीका से क्या कौन सा तरीका से करना है वो हम लोग दिखाएंगे। तो ये है मेन बात, क्वांटाइजेशन आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा और क्वांटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम लोग ऑटो क्वांटाइजेशन ऑन करके बजाएंगे तो ये क्वांटाइजेशन करना ज़रूरी है। और कौन सा क्वांटाइजेशन में आप लोग कर सकते हैं, मान लीजिए आप लोग ड्राम क्वांटाइजेशन में कर सकते हैं, रिदिम गिटार कर सकते हैं, बेस गिटार कर सकते हैं, मगर पियानो जो फीलिंग्स का है वो नहीं कर सकते, क्योंकि पियानो फीलिंग्स में बजते हैं तो उसमें क्वांटाइजेशन ऑटो क्वांटाइजेशन अगर आप लोग ऑफ करके बजाएंगे तो उसमें बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू दोस्तों, यही हमको बोलना था। तो शायद जिसका ये क्वेरीज था वो वीडियो देख लेंगे, वीडियो देख के शायद उसको काम में लगेगा। और सबके लिए हमें दे दिया है तो आप लोग थोड़ा इसको फॉलो करके बजाइएगा तो बहुत अच्छा होगा। सो थैंक यू अगेन, आप लोग जितना हो सके शेयर करिए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग कमेंट करते रहिए कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके ऊपर हम लोग ट्यूटोरियल भी बना देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।